हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्टन और जरा आप इन ग्राफ्स को देखिए। ये ग्राफ्स इलॉन मस्क के ट्वीट करने से पहले वाले, पर जैसे ही मस्क क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ भी ट्वीट करते हैं, तो तुरंत ही सारे क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस एकदम से ऊंचे उठ जाते हैं। तो क्या मस्क ही वो आदमी है जो पूरी दुनिया के क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, या इसमें कोई और भी शामिल है? क्योंकि इन ग्राफ्स को देखकर तो यही साबित होता है कि ऐसे ट्वीट करना कोई इंसान का बार बार, कुछ तो वजह जरूर होगी। और हैरानी की बात तो ये है कि आखिर क्यों इलॉन मस्क का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि फिजिकली होती भी नहीं है, वो हमारा फ्यूचर है। वेल, जानेंगे आप कुछ ही देर में। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन करने की सोच रही है, जिस विषय पर इलॉन मस्क ने कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा सब कुछ चाह कर भी नहीं कर सकती। पर आखिर में ऐसा हुआ भी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लीगलाइज्ड करने की ठान ली, और आखिर इतने कॉन्फिडेंस से इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट किस वजह से बोला था, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अब 14 मई 2020 की ही बात करें तो सुबह 4:15 पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि वो डोजकॉइन के डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं। तब उस ट्वीट के 21 मिनट के बाद ही डोजकॉइन का मार्केट कैप $10 बिलियन से अचानक से ऊंचे उठ गया था। पर ऐसा सिर्फ ये इकलौता केस नहीं है, क्रिप्टो मार्केट में ऐसे कई सारे मस्क इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जब जून 2009 में मस्क ने #bitcoin ट्वीट किया, तो बिटकॉइन के ग्राफ में एक चेंजेस नजर आया था और उसे आप वीडियो में देख सकते हो। और यही नहीं, जब उन्होंने फरवरी में ट्वीट किया कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए है, तो कुछ ही मिनटों में बिटकॉइन का भाव एकदम से ऊंचे चला गया था। यानी कि ये बात तो पक्की है कि 300 मिलियन से भी ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स में से आधे से ज्यादा लोग अपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए इलॉन मस्क के ट्वीट का ही वेट करते हैं। और इलॉन मस्क का भी यही मानना है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। Maybe have some fun. I mean, it's like there's a good chance that crypto is the future currency of Earth. पर यहाँ पर मेरा सवाल ये आता है कि क्या सच में हमारा आने वाला कल क्रिप्टो करेंसी से चलेगा? तो इसका आंसर है शायद हाँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि आप जानते हैं, वी आर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर ऑन मार्स। नासा का मानना है कि हम 2040 तक यानी कि 2040 तक मार्स पे पहुंच चुके होंगे। तो वही मस्क का ये कहना है कि 2040 तो बहुत दूर है भाई, 2026 तक यानी कि 2026 तक फर्स्ट बैच ऑफ पीपल मार्स के लिए रवाना हो जाएंगे। और 2050 तक मार्स पर ऑलरेडी 1 मिलियन तक यानी कि 10 लाख लोग आराम से रहते होंगे, यानी कि हम सब जीते जी ह्यूमन का मार्स पे होता हुआ ट्रांसफर देख पाएंगे। और ये सब इलॉन मस्क ने कहा है, और उनका बोला हुआ शब्द यानी कि आप तो जानते ही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी क्रिप्टो करेंसी या तो बिटकॉइन जैसे कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदनी हो तो उसे इलॉन मस्क के ट्वीट के जरिए कुछ हेल्प मिल सके। और ऐसे और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।